ओके, वेलकम बैक। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड वेव। ओके, वेव्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा? साउंड वेव। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। देखो यहाँ पे साउंड वेव है वो लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर है। लॉन्जिट्यूडनल का मीनिंग क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी डिरेक्शन और जो वेव्स होती है उसकी डिरेक्शन बोथ आर इन सेम डिरेक्शन, दोनों एक ही डिरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे जो साउंड वेव जनरेट होती है और साउंड वेव जो ट्रैवल करती है वो ट्रैवल ड्यू टू प्रेशर एंड डेंसिटी, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर और ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज़ कि यहाँ पे सभी कोई एयर के मोलिक्यूल्स है, अदरवाइज मैंने एक पिस्टन सिलेंडर कंसेप्ट लिया है। ठीक है, तो अंदर जो भी मोलिक्यूल्स है आप थोड़ा सा पिस्टन को ऐसे मूव करोगे तो इन सम पोर्शन मोलिक्यूल्स एक दूसरे के एकदम नज़दीक आ जाएंगे और थोड़े पोर्शन में एक दूसरे से थोड़े से दूर हो जाएंगे। सेम, नज़दीक आ जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे मोलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन की वजह से वहाँ प्रेशर इंक्रीज़ होगा और प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो सीधी सी बात है वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? ओके, तो ड्यू टू वेरिएशन इन प्रेशर एंड वेरिएशन इन डेंसिटीज साउंड वेव ट्रैवल्स। ओके, तो देखो यहाँ पे कंप्रेशन होगा तब प्रेशर मैक्सिमम होगा, डेंसिटी मैक्सिमम होगी। रेफ्रेक्शन होगा तब प्रेशर मिनिमम होगा, डेंसिटी मिनिमम होगी। तो ड्यू टू चेंज इन प्रेशर जो इक्वेशन बनता है उसको हम इस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रूफ किया जाता है लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसका। ड्यू टू चेंज इन प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है वो रहता है बी के ए, वेर बी इज़ द बल्क मॉड्यूलस। ओके, ए इज़ द, ये पूरे टर्म को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और इसको हम बोलते हैं फेज। ओके, फेज, ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, सॉरी, यहाँ पे ये फेज नहीं एम्पलीट्यूड ही आएगा, एम्पलीट्यूड बी के ए। नाउ वेव इक्वेशन को अगर हमें लिखना है तो वेव इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे एस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो हम जनरल वेव इक्वेशन लिखते हैं वो। ओके, तो जनरल वेव इक्वेशन और चेंज इन प्रेशर, ये दोनों जो वेव इक्वेशन है इसमें अगर आप फेज डिफरेंस की बात करो तो फेज डिफरेंस पाई बाई टू निकलता है। कितना निकलता है? पाई बाई टू। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो इक्वेशन मिलता है वो जो स्ट्रिंग में मीन्स के जो जनरल इक्वेशन मिलता है उसी टाइप का है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें जनरल इक्वेशन क्या मिलता था, एक y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू प्रेशर मिल रहा है तो आप इसको प्रूफ करोगे तो एम्पलीट्यूड आपका ये निकलेगा। अगर आप डेंसिटी की बात करोगे डेल्टा रो तो यहाँ पे सिर्फ रो आ जाएगा। देखो यहाँ पे डेंसिटी का भी मैंने लिखा है डेल्टा रो इज इक्वल टू रो के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इज इट क्लियर? ओके, तो ये दोनों इक्वेशन सिर्फ आप अगर डेंसिटी के फॉर्म में और प्रेशर के फॉर्म में याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं तो हमें आने चाहिए। ओके, सो अवर ओरिजिनल टॉपिक साउंड वेव स्टार्ट होता है यहाँ से, स्पीड ऑफ साउंड मोस्ट आईएमपी, स्पीड ऑफ साउंड। ओके, हम लोगों ने स्ट्रिंग में देखा था वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी मीन्स के जो पल्स जनरेट होते हैं उसकी स्ट्रिंग में वेलोसिटी कितनी रहती थी, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ठीक है, जो स्ट्रिंग में वेव जनरेट होती थी वो लॉन्जिट्यूडनल थी या ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स थी वहाँ पे, हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे ये जो वेव है वो लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर है, तो वेव ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड बाई वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई बाई रो, वेर ई इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी। हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में देखा था, अगर रोड है तो रोड के लिए इलास्टिसिटी के लिए हम यंग्स मॉड्यूलस यूज़ करते थे, अगर लिक्विड या आइडियल गैस होता है तो हम वहाँ पे बल्क मॉड्यूलस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर लिक्विड और गैस, लिक्विड के लिए ई इज इक्वल टू बी लेंगे, वेर बल्क मॉड्यूलस बी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ओके, अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड के लिए ई की वैल्यू वाई लेंगे, वाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई रहता है या तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल रहता है।
ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड अंडर रूट ऑफ वाई अपन रो, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूलाज है दोनों ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। सपोज कि एयर मीडियम है, उसमें मुझे, मैं जो बोल रहा हूँ ये स्पीड है, वो साउंड की स्पीड कितनी है वो मुझे मेजर करनी है। तो पहले आए न्यूटन, पहले कौन आए? न्यूटन। न्यूटन सर ने ऐसा बोला कि ये जो वेव मीन्स के ये जो मॉलिक्यूल्स है एयर के, वो ट्रैवल कर रहे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मीनिंग ये होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। देखो यहाँ पे, इफ़ साउंड ट्रैवल्स इन एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू जीरो। पार्शियली डिफरेंशिएशन किया, पी कांस्टेंट वी का डी वी प्लस वी कांस्टेंट पी का डी पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पी को अगर मैंने यहाँ से सब्जेक्ट बना दिया तो मुझे ये मिलेगा माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी, लेकिन ये तो बल्क मॉड्यूलस के जितना होता है। और थर्मोडाइनेमिक्स में भी हमने पढ़ा था, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू प्रेशर, बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू प्रेशर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में बल्क मॉड्यूलस की जगह पे प्रेशर रिप्लेस कर दो। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर रहता है 1.01 इंटू 10 रेस टू 5 और डेंसिटी इन एयर रहती है 1.29 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला तो मेरा आंसर आया 280 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना आया? 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब प्रैक्टिकली ये वैल्यू हमने प्रूव की तो प्रैक्टिकली ये वैल्यू आती थी 332 मीटर पर सेकेंड। कितनी आती थी? 332 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे न्यूटन सर ने जो ये प्रूव किया उसका ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर गलत निकला। ठीक है, तो उसके बाद आए लाप्लास। लाप्लास ने उसमें कुछ करेक्शंस किए। लाप्लास ने क्या करेक्शंस किए? तो लाप्लास ने ऐसा बोला कि ये जो कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन ये जो होता है ना, वो इतनी स्पीड में होता है, वो इतनी स्पीड में होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर फटाफट इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होती। इसका मीनिंग ये हुआ कि न्यूटन साहब ने ये कहा था ना कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल हो रही है, नहीं, ये प्रोसेस हो रही थी एडियाबैटिक। कौन सी प्रोसेस हो रही थी? एडियाबैटिक। ये किसने बताया? लाप्लास ने। इसको हम लाप्लास करेक्शन भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे, नाउ अकॉर्डिंग टू लाप्लास ड्यूरिंग द रेफ्रेक्शन एंड कंप्रेशन मेक वेरी फास्ट, देर इज नो टाइम टू एक्सचेंज ऑफ हीट, मीन्स एक्सचेंज ऑफ हीट के लिए टाइम ही नहीं रहता, तो ये प्रोसेस कौन सी होगी? एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। तो हम लोगों ने पढ़ रखा था इन एडियाबेटिक प्रोसेस बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू गामा इन टू पी, थर्मोडाइनेमिक्स में आ गया। इन एडियाबेटिक प्रोसेस बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू गामा इन टू पी, तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस में गामा इंटू पी रिप्लेस कर दो, गामा इंटू पी। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो यहाँ पे देखो गामा को हम बोलते हैं, गामा की वैल्यू हमें पता है, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एफ, वेर एफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। सोचो अभी ये एयर है, एयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस वो डाई एटोमिक है, और डाई एटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू रहती है 5। कितनी रहती है? 5। तो देखो यहाँ पे गामा फॉर एयर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू 5 रख दो तो मुझे गामा मिल जाएगा 1.4। तो गामा 1.4, प्रेशर और डेंसिटी तो यही रखेंगे हम लोग। ठीक है, तब भी हमारा आंसर आया अप्रॉक्सीमेटली 331 मीटर पर सेकेंड। तो अभी प्रैक्टिकल वैल्यू और थियोरिकल वैल्यू ये दोनों मैच हो गई और लाप्लास का करेक्शन सही हो गया। इज इट क्लियर? सो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकेंड। कई बार एग्जाम्पल में ये स्पीड ऑफ साउंड दी नहीं गई होती है, तो ध्यान में रखना 330 से 340 के बीच में आप ले सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहाँ पे गामा पी अपॉन रो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो गामा आर टी अपॉन एम, गामा पी, बिकॉज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी से डिवाइड एम बाई वी कर दो तो रो इज इक्वल टू एम बाई वी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन भी निकलता है गामा आर टी अपॉन एम। ओके, बोथ आर वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू पी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रपोजनल टू डेंसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रपोजनल टू मास।
इज इट क्लियर? ये तीन चीज याद में रखना, डायरेक्टली यूज एमसीक्यूज में हम करेंगे, ओके? सो प्लीज, और एक चीज बता दूं यहां पे, अगर डेंसिटी की हम बात करें तो ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर आर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, क्योंकि ड्राई एयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, और मॉइस्ट एयर में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के बूंद में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, तो इस वजह से आप वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन भी निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, सो पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, दिस वन इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ साउंड वेव, ओके, नोट इट डाउन। ओके, सो इन साउंड वेव अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन पाइप्स, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी ऑर्गन पाइप्स। ये हम लोगों ने देखा था स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो स्टेशनरी वेव जनरेट होती है, तो उसमें हमने देखा था इफ बोथ एंड्स आर फिक्स्ड एंड इफ वन एंड इज फिक्स्ड, ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे होगा ऑर्गन पाइप में। देखो यहाँ पे ऑर्गन पाइप मीन्स व्हाट? इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल साउंड बाई ब्लोइंग एयर, ओके, अगर हम एयर फूकेंगे उसमें तो एक साउंड वेव जनरेट होता है म्यूजिकल फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन पाइप। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप, फर्स्ट वन इज ओपन एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड। तो देखो यहाँ पे एक साइड क्लोज्ड है तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, दोनों एंड ओपन है तो इसको हम बोलेंगे ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो पहले हम जो देखेंगे वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए देखेंगे। देखो यहाँ पे दिस वन इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सभी केस में ऑर्गन पाइप की लेंथ फिक्स रहेगी, दैट इज एल, दैट इज एल, ये चीज़ ध्यान में रखना, ओके। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज वी, उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे सपोज ये ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप में से हमने कुछ मीन्स की ये जो म्यूजिकल साउंड हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस होके म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड होंगे। तो ये फर्स्ट केस हमने लिया है कि ओपन ऑर्गन पाइप है, तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या रहेगा, इस टाइप का एक वेव फॉर्म जनरेट होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनता है, इसको हम बोलेंगे नोड, इसको हम बोलेंगे एंटी नोड। हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रिंग से पहले के टॉपिक में, नोड्स डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स, दैट इज लेमड़ा बाई टू, एंड डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स, दैट इज लेमड़ा बाई फोर। तो यहाँ पे देखो ये नोड ये एंटी नोड ओपन है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, लेमड़ा बाई फोर। सो वी विल राइट लेंथ एल इज इक्वल टू लेमड़ा बाई फोर, तो लेमड़ा की वैल्यू मेरी फोर एल। हमले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारे पास वी अपन लेमड़ा, वी एज इट इज़ लेमड़ा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, लेमड़ा इज इक्वल टू फोर एल, तो एफ वन की वैल्यू हमें मिल गई। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, मोस्ट आई एम भी ध्यान में रखना, फर्स्ट हार्मोनिक, ओके। नाउ इन नेक्स्ट केस, तो नेक्स्ट केस में कुछ इस टाइप का हुआ, देखो यहाँ पे इस टाइप का वेव फॉर्म जनरेट हुआ, ओके, तो यहाँ पे बनता है नोड, बीच में एक एंटी नोड होगा, नोड एंटी नोड। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, लैम्डा बाई टू, एंड दिस वन इज लैम्डा बाई फोर, टोटल डिस्टेंस थ्री लैम्डा बाई फोर, तो एल इज इक्वल टू थ्री लैम्डा बाई फोर, लैम्डा को सब्जेक्ट बना दो, फोर एल बाई थ्री, सेम एफ टू इज इक्वल टू थ्री वी अपॉन फोर एल। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवर टॉन, सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवर टॉन, ठीक है। सेम इन थर्ड केस, देखो यहाँ पे नोड 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 एंटी नोड, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमें कितना मिलेगा, एल इज इक्वल टू फाइव लैम्ब्रा बाई फोर, क्लियर, तो एफ थ्री इज इक्वल टू वॉट, फाइव ई अपॉन फोर एल। तो सिमिलरली एफ एन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टू एन माइनस वन इंटू एफ वन, वेर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री अप टू सॉन, इज इट क्लियर, ओके। सो दिस वन इज द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक कैसे मिलती है, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, याद रखना। Is it clear? Okay. This one is very, very most IMP. Now, in open organ pipe, तो देखो यहाँ पे open organ pipe एक चीज़ याद में रखना, जहाँ पे end open रहता है वहाँ पे always anti nodes ही बनेगा। तो देखो यहाँ पे anti nodes बन रहा है, ठीक है, बीच में node बनेगा, यहाँ पे बीच में नहीं, ये single phase था तो इसमें बीच में node नहीं बना,
ठीक है, यहाँ पे बना देखो बीच में दो नोड, यहाँ पे बने बीच में वन, बीच में दो, वन टू थ्री, ओके। तो सेम थिंग ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप में कुछ इस टाइप का स्टेशनरी शेप जनरेट होगा, ओके। एंटी नोड, नोड एंटी नोड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, लैम्बडा बाई टू। सो एफ वन इज इक्वल टू वी अपन लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, टू एल आएगी, बिकॉज एल इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टू, तो लैम्बडा इज इक्वल टू टू एल। इज इट क्लियर? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, इन नेक्स्ट केस, तो इस टाइप का वेव फॉर्म जनरेट होगा, एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड, ओके। ये डिस्टेंस लैम्बडा बाई फोर, ये डिस्टेंस लैम्बडा बाई टू, ये डिस्टेंस लैम्बडा बाई फोर, पूरा डिस्टेंस होगा लैम्बडा, ओके। तो एल इज इक्वल टू लैम्बडा मिला मुझे, एफ टू इज इक्वल टू वी अपॉन एल, तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी मुझे मिली टू, सेकेंड फ्रीक्वेंसी मुझे क्या मिली, वी अपॉन एल मिलती है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया, ऊपर नीचे टू टू से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों किया सर? बिकॉज वी अपॉन टू एल एफ वन बनता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, टू एफ वन, टू एफ वन, सो एफ टू इज इक्वल टू टू एफ वन। चलो थर्ड में फाइंड करते हैं, देखो थर्ड में कुछ कुछ इस टाइप का वेव फॉर्म जनरेट होगा। लेंथ कितनी, तो देखो यहाँ पे ये लैम्बडा बाई फोर, लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई फोर, तो ये बन गया लैम्बडा, और ये लैम्बडा बाई फोर, लैम्बडा बाई फोर, लैम्बडा बाई टू बन गया, टोटल बनेगा थ्री लैम्बडा बाई टू। तो लेंथ मुझे मिली थ्री लैम्बडा बाई टू, तो लैम्बडा इज इक्वल टू टू एल बाई थ्री, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अप्लाई करो, वी अपॉन लैम्बडा, वी एज इट इज, लैम्बडा इज इक्वल टू वॉट, ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो एफ थ्री मुझे क्या मिला, थ्री वी अपॉन टू एल। बट वी अपॉन टू एल क्या है, चेक करो, वी अपॉन टू एल तो एफ वन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ थ्री इज इक्वल टू थ्री एफ वन। इज इट क्लियर? इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, ये ध्यान में रखना, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, ओके। इन जनरल फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे एफ टू इज इक्वल टू टू एफ वन, एफ थ्री इज इक्वल टू थ्री एफ वन, सो एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन, सो सिंपल। इज इट क्लियर? सो दिस वन इज द ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। साउंड वेव का बहुत ही अच्छा टॉपिक था, पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन।